दिवाली से पहले या फिर किसी पार्टी शादी फंक्शन में जाने से पहले अगर आपने मेरा बताया हुआ नुस्खा अप्लाई किया तो आपके चेहरे पे चार चांद लगने वाली है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज का जो रेमेडी मैं बताने वाली हूँ वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल रेमेडी है। वैसे तो मैं सारी की सारी स्पेशल ही बताती हूँ, लेकिन आज की जो रेमेडी है वो आपके चेहरे पे एज अ क्लींजर का काम करेगी, आपके चेहरे को निखारेगी। आपके चेहरे पे अगर मैल होगा तो वो मैल को भी निकालेगी और आपके चेहरे को एकदम ब्राइट बनाएगी, एकदम खूबसूरत बनाएगी, चमकता हुआ चांद सा आपका चेहरा दिखेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आज की जो रेमेडी है वो बहुत ही स्पेशल होने वाली। रेमेडी को आप स्किन केयर भी कह सकते हो, आप इस रेमेडी को डेली यूज कर सकते हो और बच्चे से लेकर बड़े तक इस रेमेडी को अपने चेहरे पे अप्लाई कर सकते हैं, चाहे कॉलेज हो या फिर ऑफिस या फिर मैरिड जो है वो भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। मेल एंड फीमेल दोनों के दोनों इस रेमेडी को अपने चेहरे पे लगा सकते हैं और अपने चेहरे पे बेचाहे दाग से छुटकारा पा सकते हैं। उनके चेहरे पे अगर एक्ने पिंपल की समस्या है या फिर बहुत दाग धब्बे हैं या फिर छाइयों की समस्या है नोज पे और पूरे फेस पे छाइयां हैं, तो ये जो रेमेडी है ये बहुत अच्छी तरीके से मैजिकल वर्क करने वाली है, आपके चेहरे पे बहुत ही अच्छा निखार लाने वाली है। सो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिएगा, आपको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि वीडियो के बीच में मैं बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें आपको बताऊंगी जो कि आपके स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। सो फ्रेंड्स, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना है, ले लेना है कच्चा दूध। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको कच्चा दूध ले लेना है, रॉ मिल्क ले लेना है। और कच्चा दूध, दूध जब आप लोगे तो दूध बॉयल नहीं होना चाहिए, आपको कच्चा दूध लेना है, डायरेक्ट कच्चा दूध। और ठंडा दूध आप ले सकते हो जो फ्रिज में रखा हो या फिर फ्रिज से बाहर भी हो तो आप ले सकते हो, लेकिन वो बॉयल नहीं होना चाहिए, कच्चा होना चाहिए। आपको कच्चा दूध लेना है क्योंकि कच्चे दूध में ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छी होती है। दूध जो है हमारी स्किन पे जो है एज अ क्लींजर वर्क करता है और इससे बेस्ट क्लींजर मुझे नहीं लगता कि मार्केट में कोई भी क्रीम या फिर कोई भी साबुन कर सकता है आपके स्किन को क्लीन, क्योंकि ये जो है बहुत ही अच्छा क्लींजर है। आपके चेहरे पे जितनी भी मैल है, गंदगी है, पिंपल के निशान है या फिर छोटे छोटे दाग धब्बे हैं, वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। अगर टैनिंग की समस्या है तो वो भी इससे खत्म होने वाली है। इसमें मैं करूंगी दो तीन चीजों को ऐड और उसके बाद आप देखोगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इस रेमेडी को कोई भी कर सकता है, इस रेमेडी में बिल्कुल भी तामझाम नहीं है, आप इजीली अपने चेहरे पे लगा सकते हो। इस रेमेडी को अपने फेस के साथ साथ अपने हाथों पे, अपने नेक पे या फिर फुल बॉडी पे आप इसको लगा सकते हो। आपके फेस पे और फुल बॉडी पे ऐसा वर्क करेगा ना जो कि कोई महंगे महंगे साबुन शैम्पू कुछ भी नहीं कर सकता, इतना अच्छा है ये क्लींजर, बहुत ही अच्छा है। मैं पर्सनली यूज करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, इसलिए मैंने आपके साथ ये रेमेडी शेयर करी है। आप एक बार जरूर कीजिएगा या फिर आपके घर में किसी की शादी होने वाली है उन्हें भी ये चीज बताइए कि वो इससे एक बार पूरे अपने बॉडी पे या फिर पूरे फेस पे लगाएं और बहुत ही बेस्ट रिजल्ट मिलने वाला है, पूरा का पूरा गंदगी, पूरा का पूरा टैनिंग निकलने वाला है। सो फ्रेंड्स, अब मैं इसमें एक दो चीजों को डालती हूँ और उसके बाद मैं बताती हूँ कि इसको कैसे यूज करना है, बहुत मैजिकल वर्क करेगा आपके चेहरे पे। तो आपको करना क्या है, आपको इस रेमेडी में कस्तूरी हल्दी को डाल लेना है। अगर आपके पास कस्तूरी हल्दी है तो आप कस्तूरी हल्दी इसमें ले लो, अगर आपके पास कस्तूरी हल्दी नहीं है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप किचन में जो हल्दी यूज करते हो आप वो भी ले सकते हो, आपको कोई भी नुकसान नहीं करेगा, आप यूज कर सकते हो। तो आप देख सकते हो मैंने एक पिंच करीब कस्तूरी हल्दी मैंने ले लिया है और उसके बाद मैं इसको कर लूंगी मिक्स, और मिक्स करने के बाद आप देख सकते हो ये ऐसा क्लींजर बन के रेडी हो गया है। और इसमें आपको क्या करना है, और इसमें आपको कुछ भी ऐड नहीं करना, सिर्फ दो चीजें आपको ऐड करनी है। ये रेमेडी आप डेली लगा सकते हो और डेली आप बनाने में भी आपको बिल्कुल भी झमेला नहीं होगा और आपके स्किन पे बहुत ही अच्छा वर्क करने वाला है, आप एक बार इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपको बताती हूँ कि इसको लगाना कैसे है। तो फ्रेंड्स, ये रेमेडी जो है इसको लगाना कैसे है मैं आपको बताती हूँ। तो इसको लगाने से पहले
आपको क्या करना है, पहले तो आपको घर का पूरा काम कर लेना है। जब आप एकदम फ्री बैठे हो तो आपको इस रेमेडी को अपने फेस पे अप्लाई करना है और इसको लगा के आपको किचन का काम नहीं करना है। आप जब फ्री बैठो, चाहे आप मॉर्निंग में बैठो चाहे आप नाइट में बैठो, आप जब फ्री बैठोगे तभी आपको इस रेमेडी को अपने चेहरे पे लगाना है। जी हाँ फ्रेंड्स, और उसके बाद आपको बहुत ही मैजिकल रिजल्ट मिलने वाला है। मैं तो आपको ये बोलूंगी कि आप ज्यादा से ज्यादा इस रेमेडी को आप रात में ही अपने चेहरे पे लगाओ, क्योंकि नाइट का टाइम जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। आपके स्किन को रिलैक्स भी मिलता है और बहुत अच्छी तरीके से आप रात में इसको फेस पे लगा के सो भी सकते हो, और सुबह जब आप फेस वॉश करोगे ना आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, एकदम मैजिकल रिजल्ट आपको मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, इस रेमेडी को लगाने से पहले आपको अपने चेहरे को अच्छे से धो लेना है। तो आप देख सकते हो मैंने अपने चेहरे को अच्छे से वॉश कर लिया था। जब मैं वीडियो शूट करने बैठी थी तभी मैं वॉश करके बैठी थी, मैंने सिर्फ लिपस्टिक लगाया है और मेरे फेस पे बिल्कुल भी मेकअप नहीं है, बिल्कुल भी मेकअप नहीं है, और मेरे फेस पे उतनी टैनिंग नहीं है और न ही तो दाग धब्बे हैं। तो जिनके फेस पे दाग धब्बे हैं उनके फेस पे भी बहुत अच्छा वर्क करने वाला है। मैं फिलहाल इसको यूज करती हूँ, इस वजह से मेरी स्किन इतनी अच्छी है। तो मैं अब क्या करूंगी, इसको अपने चेहरे पे लगाऊंगी। आपको भी इसको अपने फेस पे डायरेक्ट अप्लाई करना है और अपने फेस पे पूरे अच्छे तरीके से इसको पूरा लगा लेना है। आप चाहो तो कॉटन के हेल्प से भी लगा सकते हो, नहीं तो आप अपने हाथों से भी लगा सकते हो। तो जहां जहां आपको दाग धब्बे की समस्या है वहां पे आपको इसको अच्छे से लगा लेना है, ठीक है। तो मैं, आप देख सकते हो मैंने अपने फेस पे इसको अच्छे से अप्लाई कर लिया है। और उसके बाद आपको करना क्या है, आपको करना है अपने फेस पे इससे मसाज करनी है आपको, और अपने फेस पे इससे तब तक मसाज करनी जब तक ये पूरा सूख ना जाए आपके फेस पे, और ये जल्दी ही ड्राई हो जाएगा। तो आपको अपने फेस पे मसाज करनी है। तो आप यकीन मानिए, आप जब इसको मसाज करोगे ना तो आपका जो मिल्क जो आपने लिया है ना वो पूरा का पूरा एकदम ब्राउन ब्राउन सा निकलेगा, क्योंकि आपके चेहरे की जितनी भी गंदगी है ना वो सारी की सारी निकलेगी, पूरा मैल निकलेगा, और बहुत अच्छे तरीके से ये आपके स्किन को क्लीन करेगा, आपके चेहरे को साफ करेगा। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैं मसाज कर रही हूँ, आपको भी ऐसे ही कर लेना है मसाज, और ऐसे ही करना है जब तक ये पूरा ड्राई ना हो जाए। अगर ये ड्राई हो जाएगा तो अपने आप ये पूरा आपको खुद ही दिख जाएगा रिजल्ट। आप अगर लगा रहे हो तो आपको पूरा एकदम ब्राउन ब्राउन सा दिखेगा आपके हाथ पे, पूरा आपके चेहरे की गंदगी या फिर आपके फेस पे अगर मेकअप भी होगा तो वो भी रिमूव हो जाएगा इससे। सो फ्रेंड्स, इसको आपको अच्छे से कर लेनी है मसाज। अगर ड्राई हो जाए तो आपको फिर से ले लेना है मिल्क और फिर से अपने फेस पे ऐसे ही अप्लाई कर लेना है। इसमें बिल्कुल भी केमिकल नहीं है, एकदम केमिकल फ्री है, तो आप इसको बेझिझक अपने चेहरे पे अप्लाई कर सकते हो और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आप पा सकते हो। आप अपने बॉडी पे भी अप्लाई कर सकते हो, मैं फिलहाल अपने फेस पे करके दिखा रही हूँ। तो आप देख सकते हो इसको मैं अपने फेस पे फिर से अप्लाई कर रही हूँ और मैं फिर से इसको मसाज करूंगी। आपको ये प्रोसेस को 2 से 3 बार और 3 से 4 बार तक आपको कर लेना है। तो अभी मैंने फिर से एक बार लगा लिया है और मैं फिर से इसको मसाज करना स्टार्ट कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मेरी स्किन जो है इतनी अच्छी कैसे है, क्योंकि मैं ये रेमेडी हमेशा अपने फेस पे लगाती रहती हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। ये बहुत बेस्ट स्किन केयर रूटीन है और बहुत ही अच्छा है, और इसको आप ज्यादा से ज्यादा आप रात में ही यूज करो और इसको आप डेली यूज कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप डेली, आपको टाइम मिलता है दिन में एक बार, आप कभी भी, आपके पास मॉर्निंग में टाइम है तो आप मॉर्निंग में भी लगा सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है। आप मॉर्निंग में लगा के अपने फेस पे उसके बाद आप नॉर्मल पानी से क्लीन कर सकते हो। अगर आप नाइट में इसको लगाओगे तो आप इसको लगा लो और फिर आप इसको थोड़ा सा गीले कपड़े से हल्के हाथों से पोंछ लो और आप ऐसे ही सो जाओ, फिर मॉर्निंग में उठ के आप फेस वॉश करोगे ना आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। ज्यादातर नाइट में लगाओगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो दिन में भी लगा सकते हो। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैंने अपने फेस पे कर लिया है मसाज, उसके बाद मैं फिर से इसको ले रही हूँ और फिर से मैं अपने फेस पे इसको अप्लाई कर रही हूँ। तो फिलहाल मैं सिर्फ इसे 3 बार ही अप्लाई करूंगी और मैंने कर लिया है, ये 3रा बार है। और जिनके फेस पे ज्यादा दाग धब्बे की समस्या है वो 3-4 बार ऐसे ही अपने फेस पे लगा लगा के मसाज करेंगे तो उनको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैं इसको फिर से मसाज करना स्टार्ट कर रही हूँ और आप खुद ही देख सकते हो मेरी स्किन कितनी अच्छी ग्लो कर रही है, और मेरे हाथ पे जितने भी थे ना दूध वो पूरे ब्राउन ब्राउन से हो रहे हैं, ये मिल्क जितने हैं।
फ्रेंड्स आप देख सकते हो मेरा मसाज हो चुका है कंप्लीट। को भी इसको ऐसे ही मसाज कर लेना है और इसको आपको जैसे एक बार लगाया थोड़ा सा ड्राई हो गया, थोड़ा सा मसाज कर लिया, उसके बाद फिर से आप इसको फेस पे अप्लाई करो, फिर वो थोड़ा ड्राई हो जाएगा, उसके बाद फिर से आप अपने फेस पे अप्लाई करो। जिनके चेहरे पे ज्यादा टैनिंग है वो कम से कम 5 बार तक ये प्रोसेस को लगातार करें अपने फेस पे, और जिनके फेस पे कम है तो वो 2-3 बार भी करेंगे तो चलेगा। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे फेस पे बहुत कम है दाग धब्बे की समस्या, तो मैंने 2-3 बार अपने फेस पे लगाया, उसके बाद मैं छोड़ दे रही हूँ उसको। और उसके बाद मैं क्या करूंगी, अपने फेस को नॉर्मल पानी से क्लीन कर लूंगी। अगर आपको इरिटेशन होती है तो आप क्लीन भी कर सकते हो, नॉर्मल पानी से आपको धो लेना है, फेस वॉश यूज नहीं करना है। अगर आप रात में इसको लगा के सो सकते हो तो आप सो भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रात में इसको ऐसे ही छोड़ दो और सो जाओ, मॉर्निंग में उठकर आप फेस वॉश कर सकते हो अगर आप इसको रख सकते हो तो। और मैं फिलहाल इसको अभी अच्छे से क्लीन करके आती हूँ नॉर्मल पानी से, उसके बाद मैं दिखाती हूँ। आप देख सकते हो मैंने अपने फेस को नॉर्मल पानी से कर लिया है क्लीन, मैंने फेस वॉश यूज नहीं किया, आपको भी नहीं करना है। आप देख सकते हो हाथ मेरा गीला गीला सा है, अभी मैं जस्ट अपने फेस को धोकर आई हूँ और आप देख सकते हो फाइनल रिजल्ट इतना अच्छा, मेरी स्किन जो है ना इतनी अच्छी ग्लो कर रही है, आप खुद ही देख सकते हो। और जो भी रेमेडी है मैं आपके सामने करके दिखाती हूँ और फाइनल आप देख सकते हो। ऐसे ही आपको डेली अपने चेहरे पे लगाना है, और ऐसा अगर आप करते हो ना तो मार्केट में जितनी भी महंगी से महंगी क्रीम है ना वो सारी की सारी फेल होनी है। और बहुत ही अच्छा आपके घर में ही जो फ्रीज में आपके कच्चा दूध रखा है, दही है, ये सब जो होम रेमेडीज होती है ना बहुत ही अच्छी होती है और नेचुरल तरीके से आपके चेहरे पे वर्क करती है। आप देख सकते हो फाइनल रिजल्ट और बहुत ही अच्छा, मुझे बहुत ही अच्छा फील भी हो रहा है। तो आप इसको अगर डेली करते हो तो आपको बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट चाहिए, तो आप इसको डेली अपने चेहरे पे अप्लाई करो और आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, इस चीज की गारंटी है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और आपका लाइक जो है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप हमारी वीडियो को अगर अच्छा लगे तो ही आप लाइक कीजिएगा, और अगर हमारी वीडियो आपको बहुत अच्छा लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।